शुरू करो। तो झारखंड के गिरिडीह जिला, झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के पीटर थाना अंतर्गत एक करंदो गांव के रहने वाला मैं हूं और गरीब किसान परिवार से आता हूं, आदिवासी हूं। बचपन का जीवन बहुत ही दर्दनाक जीवन रहा है, ज़िंदगी रहा है। गरीबी के चलते, आर्थिक कठिनाइयों के चलते मैं ज़्यादा स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया और शिक्षा ग्रहण करना चाहिए था। इच्छा रहते हुए मेरे अंदर में इच्छा था आगे तक पढ़ने की, लेकिन वह इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि आर्थिक समस्या के चलते मैं मात्र तीसरा क्लास तक पढ़ पाया, तीसरी कक्षा तक। और तीसरी कक्षा पढ़ने के बाद चौथा में जब मैं गया तो किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं था। मैं फादर को बोला कि किताब खरीदना है, लेकिन उन्होंने कहा कि किताब खरीदने के लिए भी तो पैसा नहीं है, इस बार नहीं तो अगला बार तुम्हारा एडमिशन हम लोग करवा लेंगे। इसलिए छोड़ दिया मैं स्कूल जाना, पढ़ना छोड़ दिया। और पढ़ना छोड़ दिया, छोड़ने के बाद उस समय ऐसा था तीसरे कक्षा तक भी पढ़ने के लिए सिर्फ ऐसा था कि एक साल में तीन महीना में सिर्फ स्कूल जाता था और नियमित रूप से मास्टर भी नहीं रहते थे स्कूल में। फिर भी इसी तरह करके ही स्कूल से मात्र नाम मात्र के लिए मैं सीखा, नाम लिखना और कुछ थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना, ये सब मैं सीखा। ज़्यादा ज्ञान उससे मुझे नहीं मिला। और स्कूल छोड़ने के बाद, ये स्कूल मैं छोड़ा 93 में स्कूल छोड़ने के बाद 94 से फिर मैं कल्चरल एक्टिविटी में शामिल हुआ आपका 94 से। अब 94 से जुड़ने का यही एक चीज़ था क्योंकि संथाल आदिवासियों का संस्कृति ऐसा है कि बचपन से वो नाच गान और समूह नृत्य में हिस्सेदारी करते हैं। बचपन से ही एक उसका एक अलग संस्कृति है, गाने का, नाचने का और किसी समूह में जाके बैठने का, बोलने का। तो उस तरह का जो सिलसिला था, मैं भी उस ये में हिस्सा लेता था बचपन से ही। गाने का इच्छा पहले से ही होता था और करते रहता था। तो 94 में जब मेरे गांव में आया सांस्कृतिक संगठन झारखंड एभेन, झारखंड जागृति एक सांस्कृतिक संस्था था, वो गांव में नाच दिखाते, नाटक दिखाते, गीत सुनाते और लोगों को प्रेरित करते, अंधविश्वास के बारे में बताते, नासा के बारे में बताते और जमींदारी शोषण के बारे में बताते, जंगल माफियाओं के बारे में बताते और हमारा देश में किस तरह का शोषण जुल्म हो रहा है इसके बारे में लोगों को बताते अपने गीतों के माध्यम से। जो सांस्कृतिक टीम था वो मेरे गांव पहुंचा। गांव में पहुंचने के बाद मैं उन सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया तो अपने आप को मैं बहुत प्रभावित हो गया। उसके बाद से फिर एक सामाजिक सोच मेरे अंदर में आया कि कैसे ऐसा गाना को गाऊं और कैसे ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें हिस्सेदारी करूँ। एक नया जिज्ञासा आया था और उस समय पूरा हुआ, उस ग्रुप में मैं भी शामिल हो गया और उसके बाद से सामाजिक सोच, सामाजिक चेतना मेरे अंदर में आया। उस समय 13 साल की उम्र लगभग मेरा होगा। उस समय शादी तो बहुत पहले ही हुआ, बाद में हुआ। तो उस समय ऐसा मैं जुड़ा और इसके बाद से अपना गाना गाना शुरू किया, गांव में जाके प्रचार करना शुरू किया और टीम का एक हिस्सा के रूप में बना और झारखंड के कई जिलों में हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते गए, अपनाते गए, जिससे मेरा अपना एक अलग पहचान भी बनते गया क्योंकि गीत से और सांस्कृतिक कार्यक्रम से। तो उसमें सक्रिय भूमिका निभाने का आया 1997 से, 97 से उसमें ज़्यादा सक्रिय भूमिका आया। 97 से लगातार मैं एक भूमिका में रहा, एक जिम्मेदारी के रूप में रहा और अपने नेतृत्व पर फिर कई जिलों में, कई जगहों पर मैं करते गया। इसके बाद मेरा लोकप्रियता जनता के बीच में बढ़ते गया और 99 में मैं फर्स्ट बार जेल गया। एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम में पुलिस आके रंगदारी लेना, मारपीट करने का आरोप दे करके जेल भेजा। तो फर्स्ट मेरा 99 में जेल जाने का शुरुआत हुआ। इसके बाद आपका हजारीबाग जिला में हजारीबाग जेल गया और 2003 में
पटना में मैं जेल गया, उससे पीछे वहाँ गया, 2005 में धनबाद में मैं गया जेल में। तो इस तरह का सिलसिला 99 से चला, 99 से जो शुरुआत हुआ ऐसा ही चलते रहा। और मेरे साथ जब भी जैसे भी घटना घटता था, जैसे गिरफ्तारी का मामला हो चाहे पुलिस द्वारा मारपीट का मामला हो, ये मेरे लिए ज्ञान का स्रोत बना, बौद्धिक ज्ञान मिला, गांव से बाहर निकला, सामाजिक क्षेत्र में जुड़ा और बुद्धिजीवी लोगों के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उठना बैठना शुरू हुआ, तो मेरे अंदर में बौद्धिक ज्ञान का वृद्धि हुआ और उन लोगों से बहुत कुछ सीखा, बौद्धिक ज्ञान मिला, इसके बाद व्यवहारिक ज्ञान भी वहाँ से ही मिला और एक प्रेरणा मिलते गया। इसके बाद मैं ज़्यादा पढ़ना लिखना भी शुरू किया, मतलब हिंदी लिखना, होठा में लिखना, खुद गीत रचना करना और नाटक पर डायरेक्शन करना, इस तरह का मेरी जिम्मेवारी पर आते गया और मैं करते गया। तो लगातार कई गीत निर्माण करना, उसका सुर बनाना, ये हम लोगों के बीच में होते गया। तो उस समय तक जब भी, अभी तक के अंदर में मैं एक अनुभव किया हूँ जीवन में, कि जब भी मेरे साथ कुछ घटना घटी है, सत्ता के द्वारा घटना हो चाहे और कुछ ऐसा परिस्थिति हो देश में आया, तो हर एक घटना, हर एक इंसिडेंट मेरे लिए एक ज्ञान ही रहा है, उससे ही मैं ज्ञान लेते रहा और मिला। आज भी इसी तरह से ही मुझे ज्ञान मिलते रहा है। इसके बाद तो साहित्य वगैरह पढ़ना शुरू किया, किताब वगैरह पढ़ना शुरू किया, अखबार देखना शुरू किया, तो फिर धीरे धीरे मैं ज्ञान में वृद्धि होते आया। तो इस तरह का सिलसिला मतलब चला। और इस बार जो फांसी सज़ा सुनाया, इसका एक अजीब किस्म का था कि चिलखारी नरसंहार का कांड हुआ है 2007 में। उस समय ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक जीतन के नाम से FIR हुआ था, कोई और जीतन के नाम से FIR दर्ज हुआ था, लेकिन मीडिया वाले का एक गलत कार्य से मुझको फंसाया गया। जीतन का नाम जैसे ही आया, वैसे मीडिया वाला, एक मीडिया वाला दैनिक प्रभात खबर निकलता है रांची से, झारखंड रांची से, उसमें एक अखबार में समाचार छपी कि पहला गोली चलाने वाला जीतन मरांडी पहचाना गया, बाबूलाल मरांडी का बेटा मराया जिसमें पहला गोली चलाने वाला जीतन मरांडी पहचाना गया, और मेरा तस्वीर अखबार में छपा और विवरण भी छपा कि रांची में प्रोग्राम करके ये वहाँ गया और घटना को अंजाम दिया। इस तरह मेरे ऊपर आरोप लगा के एक बड़ा हेडिंग फर्स्ट पेज में छपा। तो छपने के बाद मैं देखा, देखने के बाद मेरा प्रतिक्रिया आया, मैंने उसको भंडा फोड़ किया, ये गलत हुआ है मेरे साथ, ऐसा ऐसा मैं नहीं किया हूँ, अपने आप को निर्दोष बताया, वास्तविक जो चीज़ था उसको मैं बताया। दूसरा दिन उस अखबार ने उसको खंडन छपा, अपना गलती महसूस किया कि ये जो अखबार में तस्वीर छपी है जीतन मरांडी की, ये दूसरा दिन जीतन मरांडी की तस्वीर है, ये भूल हुई है, अपना भूल स्वीकारते हुए क्षमा भी मांगा। और झारखंड के उच्च पदाधिकारी, पुलिस के उच्च पदाधिकारियों का भी स्टेटमेंट आया, जी जीतन मरांडी का अखबार में खबर छपी है, तस्वीर छपी है, वो जीतन मरांडी उस घटना में शामिल नहीं था। इस तरह का मामला पूरा क्लियर हो जाने के बाद भी मेरे साथ एक साजिश अपनाई गई कि पकड़ने का और जेल में डालने का। इसमें एक चीज़ था कि एक तो वो आधार था, क्लियर भी हो चुका था, FIR में भी ऐसा कुछ नाम नहीं था, एड्रेस प्रूफ कुछ नहीं था, लेकिन बाद में वो सिचुएशन फिर चेंज हो गया। चेंज ऐसे हुआ कि इस तरह का घटना घटने के बाद मैं एक लेख लिखा प्रभात खबर में, झारखंड में नक्सलवाद एक नज़र। तो उस लेख जब छप रहा था तो उसी समय मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, और वो गिरफ्तारी होती है कि रांची में मुख्यमंत्री आवास के सामने भड़काऊ भाषण दिया था जीतन मरांडी और रोड जाम किया था, इस तरह का आरोप मेरे पर लगाया गया। और मेरे ऊपर लगाने के बाद उसी के नाम पर मुझे गिरफ्तारी की गई और रांची जेल में भेजा। रांची जेल में 6-7 दिन रखने के बाद वो ग्रीडी, जो चिलखारी नरसंहार कांड थी, उसमें रिमांड पर ले गई पुलिस, ग्रीडी पुलिस, और जहाँ पर उस केस को दिया और देने के बाद उसमें फंसाया। तो जब मैं ग्रीडी गया रांची से, तो ग्रीडी जाने के बाद 10 दिन का रिमांड लिया पुलिस, ग्रीडी पुलिस, पूछताछ के लिए, और 10 दिन ऐसा स्थिति में रखा, कि 24 घंटा आँख में पट्टी बांध देता था और हाथ में हथकड़ी लगा देता था, दोनों पैर में हथकड़ी लगा देता था, रात में,
रात में दोनों हाथ में रहता था और दोनों पैर में रहता है, दिन में हाथ वाला छोड़ देता था, लेकिन 2400 घंटा आँख में पट्टी बांध करके रखता। 10 दिन तक ऐसा मैंने पुलिस रिमांड के दरमियान बिताया और CRPF कैंप में रखा। और उस समय जो पूछताछ हुआ, मानसिक टॉर्चर जो किया, मेंटली टॉर्चर जो किया, वो सिर्फ था कि प्रभात खबर में लेख जो छपी है वह लेख तुम नहीं लिखा हो, कोई और लिखा हो लिखा है, लेकिन तुम्हारा नाम उसमें दिया गया है, तुम बोलो कौन लिखा है। मैं बोला मैं लिखा हूँ, जो विश्लेषण करना है उसके लिए आप विश्लेषण कर सकते हैं, डिबेट उठा सकते हैं, क्या खराब है क्या सही है अब बताइए। तो 10 दिन तक इसी पर आधारित मेंटली टॉर्चर था। उन लोगों का विश्लेषण था कि तुम तीसरी क्लास तक पढ़ी हो, तीसरी कक्षा तक पढ़ी हो, और फिर ऐसा लेख कैसे लिख सकते हो। आज के ज़माने में हम लोगों ने देखा कि तीसरा क्लास तक पढ़ा हुआ लड़का या लड़की कोई भी हो ऐसा लिख नहीं सकता है। अच्छा अच्छा ग्रेजुएट लोग नहीं लिख पाते हैं, सूत सूत नहीं लिख पाते हैं, ऐसा एक धारावाहिक रूप से नहीं लिख पाते हैं, और तुम कैसे लिखा, इसलिए तुम नहीं लिखे हो, कोई और लिखा है, तुम्हारा नाम दिया हुआ है। कभी विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं बोला कि मैं लिखा हूँ, इसमें जो भी करना है आप कीजिए, बोल सकते हैं। उन लोगों ने दबाव दिया कि तुम बोलो कि मैं नहीं लिखा और इसके विरोध जो भी लिखा है गलत लिखा है, ऐसा स्टेटमेंट दो हम लोगों के सामने, तब तुमको बचने का मौका मिलेगा, नहीं तो तुम नहीं बचाया जा सकता है कोई, तुम बुरी तरह से फंस गया हो और तुमको जेल में ही रहना होगा ज़िंदगी भर। तो यही 10 दिन तक का रिमांड में इस तरह का मेरे ऊपर हुआ। और लोगों को पता था कि चिलखारी नरसंहार में जीतन मरांडी नहीं है, खुद उच्च पदाधिकारी लोगों का कहना था कि तुम तो उस घटना में नहीं हो, हम लोग जानते हैं, लेकिन तुम नक्सलियों के समर्थन में लिखते हो, उनके समर्थन में गीत गाते हो, गाँव में प्रचार करते हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हो, ये गलत है और इसीलिए तुमको ये सजा दिया जा रहा है। तो बहुत ही कठिन दौर था उस समय मेरे लिए, मेंटली टॉर्चर जो किया बहुत अपने हिसाब से उन लोगों ने बहुत किया, लेकिन मैं मेरे सामने तो एक घटना था, मेरे सामने तो एक ज्ञान था, मेरे लिए तो एक अपने सहन शक्ति का एक पहचान था कि मैं इसी परिस्थिति को सामना कर सकता हूँ कि नहीं, मैं उसको चुनौती के रूप में लिया था। तुम जो करो करो, लेकिन मेरे अंदर में जो जज्बा है, सोच है, संकल्प है, ये जुल्म और ये इस तरह का यातनाएं से नहीं अब तोड़ सकते, क्योंकि मैं जनता के लिए करता हूँ, जनता के लिए जो गीत गाता हूँ, शोषित उत्पीड़ित मेहनत कश जनता के लिए, वो तो मेरा रहेगा बरकरार। तो ऐसा इन लोगों ने किया 10 दिन तक, और करने के बाद उस केस में जिस तरह साजिश अपनाया, एंटी गवाही दिलवाना, कोर्ट में पहचान करवा करके एंटी गवाही दिलवाना, और अंततः ये लोग फांसी सजा तक करने में राज्य सरकार सफल भी हुई वहाँ पर, ऐसा साजिश। और उसके बाद कई और भी केस मेरे ऊपर दिया, जेल में रहते हुए वाला भी मेरे ऊपर कई केस है। मैंने ग्रीडी में ऐसा था कि कुल 6 केस दिया, और जिसमें ऐसा केस दिया कि जो और एक जीतन मरांडी है उसके नाम से FIR दर्ज था, वो केस को मेरे ऊपर डाला, और मेरे ऊपर डाला जिसमें पैदा कर दिया, हर केस में दो दो जीतन मरांडी को पैदा करते गया कि वो भी था ये भी था, इस तरह का वहाँ चला, और कुल 6 केस दिया ग्रीडी में। और सजा करवाने के बाद, सजा तो करवाया, फांसी सजा करवाया, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि फांसी सजा तो हो गई, क्योंकि इतना बड़ा केस अभी मेरे ऊपर लगाया गया है, ये फांसी सजा होने लायक है, इसमें करेगा निश्चित, इसलिए मैं मानसिक रूप से पहले से ही तैयार था कि जो भी मेरे सामने कठिनाई हो, परिस्थितियाँ हुए, उसको सामना करना है। तो फांसी सजा होने के बाद भी मैं निराश इसलिए नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ कि फांसी हो गया अब लगता है मैं जिंदा वापस नहीं आ सकता हूँ, बाहर नहीं आ सकता हूँ। मैं जानता था कि मेरी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह आंदोलन हुआ, फांसी सजा के बाद जिस तरह पहले हुआ, इससे विश्वास था कि मेरे पीछे जनता रहेगी और निश्चित मुझे जेल से निकाला जाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं रहा और निराश कभी हुआ नहीं। अब फांसी सजा के बाद जो स्थिति गुजरा वो सबसे ज़्यादा खतरनाक दौर था, स्थिति था। रांची में रखा एक 6 महीना अकेले, वहाँ किसी और के साथ नहीं, अकेले मैं 6 महीना तक रहा, और मेरा अखबार ही और कुछ पुस्तक हो, और ऐसा ही मेरे लिए एक दोस्त के रूप में वहाँ साबित हुआ, जिसे पढ़ने लिखने का मौका मिला, और अपने दोस्त के रूप में मैं अपना पुस्तक को लिया, अखबार को लिया और कुछ चीज़ को लिया।
जिससे मैं वहाँ ठीक से रह सका, और नहीं तो लगता है कि मानसिक तनाव में तो था लेकिन बाद में धीरे धीरे कम हो गया है। तो यही उस समय तक रहा। और बाहर में जब आंदोलन हो रहा था मेरी रिहाई के लिए, जिस तरह का मूवमेंट चल रहा था, उसका अखबार वगैरह में जब आता तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ता, विश्लेषण करता कि हर जगह से मेरी रिहाई के लिए आवाज़ उठ रही है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब लगता है मेरी रिहाई होगा और मेरे पक्ष में हाईकोर्ट का जजमेंट भी आएगा, ये उम्मीद था। क्योंकि सच्चाई भी था कि मैं निर्दोष हूँ, और आंदोलन से भी मुझे लगा कि दबाव सरकार के ऊपर है और जजमेंट भी मेरे पक्ष में आएगा, तो मैं बहुत खुश होता था अपने आप को इस तरह का अखबार में समाचार देख करके, इस तरह का न्यूज़ सुन करके बहुत खुश होता था। और अंततः यही हुआ कि आंदोलन हुआ पूरे देश के पैमाने पर, इसमें तमाम वर्ग के लोग शामिल हुए और अंततः हाईकोर्ट से बरी कर दिया। तो बरी करने के बाद तो लगा कि अब निकल जाने का उम्मीद पूरा पूरी निकाल जाएंगे, बाकी किस जमानत पर है, जमानत ले लेंगे तो निकल जा सकता हूँ, ये पहले मुझे था विश्वास। लेकिन इन वक्त ऐसा किया कि जब मैं निकलने ही वाला था, उसी दिन मेरे ऊपर एक नया आरोप लगाया कि जीतन मरांडी जेल में है, जिसके चलते क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है, अगर जेल से जीतन मरांडी निकल जाएंगे तो यहाँ शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी और इसको नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में प्रशासन को बहुत मशक्कत करना पड़ेगी, इसीलिए जीतन मरांडी को अभी जेल में रखा जाए। ऐसा डिस्ट्रिक्ट ने राज्य सरकार के पास अपील किया और राज्य सरकार भी उसको स्वीकृति दे दिया कि जीतन मरांडी बाहर निकलेगा तो इस तरह का मामला होगा। तो उस समय क्राइम कंट्रोल एक्ट CCA के तहत एक साल के लिए निरुद्ध रखा, और उसके बाद से मैं एक साल पूरा किया रहा, एक साल पूरा किया 28 मार्च को, मैं 28 मार्च को बाहर आया, जेल से बाहर आया, और बाहर आने के बाद 28 और इतना के बीच में यहाँ आप लोगों के पास तक भी मैं पहुँच गया और यहाँ हूँ, आपके साथ हूँ। ये